के लिए गाइस आपने ना 2 स्पून लगभग आपने मैदा ले लेना है ये इस तरह, और इसमें आपने ऐड करना है ना एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल की गाइस जो क्वांटिटी होगी मैं 1 स्पून ऐड करूंगी। आप अपने पेस्ट के अकॉर्डिंग जब आप पेस्ट बनाएंगे तो आप उससे देख लेना कितना आता है, अपने फेस के अकॉर्डिंग आपने इसमें ऐड कर लेना है इसे। इस तरह आपने इसको इसमें मिक्स कर लेना है जिससे अच्छी तरह बिल्कुल इसका एक थिक सा पेस्ट बन जाए। रख सकती हैं गाइस, तो इस तरह हम अच्छी तरह पूरे फेस पर अपने लगा लेंगे। और इसे गाइस ना हमें अपने फेस पर ऐसे फैलाते हुए लगाना है, ये क्या कहते हैं एक जगह ऐसे हम सोचेंगे कि ये वो हो जाएगा तो बहुत ही स्मूथली नहीं लगेगा, इसे हमें थोड़ा ना प्रेस करके अपने। आप देख सकते हैं मेरे फेस पर कोई मेकअप नहीं है गाइस, और मैंने ये कर्ड ले लिया है। आपने जितना यूज करना हो उस तरह आप ले सकते हैं। उसके बाद आपने ऐसे लेना है दोनों हाथों पे, और लेने के बाद आपने इसे अपने हैंड पे ऐसे अच्छी तरह लगा लेना है, और लगाने के बाद आपने ना थोड़ी देर ऐसे मसाज करना है इसे। और जब भी आपने इसे लगाना है ना सावर लेने से पहले लगाना है, नहीं तो आपकी स्किन जो है ना बहुत ही ज्यादा चिपचिपी। और बनाने के लिए गाइस सबसे पहले आपने इस तरह हल्का पका हुआ, आधा पका और आधा कच्चा हुआ इस तरह आपने पपीता ले लेना है। आप देख सकते हैं ना ज्यादा पका है ये और ना ही ज्यादा ये कच्चा है, इस तरह मीडियम में होना चाहिए। और फिर इसके बाद इसे हम स्लाइस में कट कर लेंगे, और ये देख सकते हैं गाइस मैंने इसे कट कर लिया। अब हमें इसका जो है एक बिल्कुल पतला सा पेस्ट बना लेना है। अभी आप देख सकते हैं गाइस हमारा जो ये पेस्ट हमने बना लिया है, और उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे नींबू। नींबू का 2-4 बूंद जो है रस इसमें गाइस हमें ऐड कर लेना है, ज़्यादा नहीं बस 2-4 बूंदें ही हमने ऐड करनी है इसकी। तो हमने डाल लिया, और इसका बीज हम जो है निकाल लेंगे। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे हम गाइस थोड़ा सा शहद, गाइस 1/2 स्पून के लगभग हम ले लेंगे शहद इसमें, और 1/2 स्पून तक ही लगभग इसमें ऐड करेंगे गाइस हम मुल्तानी मिट्टी। तो यहाँ पे गाइस जो मैंने ये 1/2 स्पून से थोड़ा ज़्यादा है मैंने मुल्तानी मिट्टी ले ली है, इसे अब हम ऐड कर लेंगे। उसके बाद हम इसका अच्छी तरह पेस्ट बना लेंगे गाइस। आपने अच्छी तरह इसे मिक्स कर लेना जब तक आपका बिल्कुल अच्छी तरह ये पेस्ट ना बन जाए। तो अभी आप देख सकते हैं गाइस हमारा जो पेस्ट बिल्कुल रेडी हो गया है। अब मैं आपको बताऊंगी आपने किस तरह इसे अपने फेस पर लगाना है।